हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस किचन। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि चाय के साथ कुछ खाने का मन है लेकिन जब तक वो चीज़ बनेगी चाय ठंडी हो जाएगी? तो चलिए कुछ आज ऐसा बनाते हैं कि जो चाय के भी बनने से पहले बन जाए। चलिए बनाते हैं चीज़ी गार्लिक ब्रेड स्टिक्स। इसके लिए हमें 4 चम्मच बटर लेना है और उसमें गार्लिक फाइनली चॉप करके डाल देना है। इसमें ऐड करेंगे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि बटर में नमक होता है ऑलरेडी। अब ब्राउन ब्रेड स्लाइसेस ले लेंगे और इस बटर के मिक्सचर को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आप अपनी चाय का भी ध्यान रखिएगा और उसको भी साथ में रख लीजिए। मैंने एक ही साइड पे बटर का मिक्सचर लगाया है, आप चाहें तो दोनों साइड पे लगा सकते हैं। अब इसमें अमेरिकन कॉर्न, स्वीट कॉर्न, जो भी आपके पास फ्रोजन कॉर्न पड़े हैं वो आपको बिना बॉयल करने ही इसमें ऐड कर देने हैं। अब डालेंगे इसमें बहुत सारा मोज़रेला चीज़, जिससे कि इसमें मज़ा आने वाला है। मोज़रेला चीज़ के बाद हम इसमें सॉल्ट, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स को ऐड कर देंगे और इसको दूसरे स्लाइस से कवर कर देंगे। उस स्लाइस में भी हम अपना बटर का मिक्सचर अप्लाई करेंगे। अब इसको हम सैंडविच मेकर में रखेंगे। आप चाहें तो इसको तवे पे भी बना सकते हैं लेकिन आपको फिर दोनों साइड पे कुछ ऑयली लगाना पड़ेगा। ये देखिए, ये बन गए हैं। चेक ग्रिल मार्क्स लाने के लिए मैंने एक बार इसको हॉरिजेंटली रखा था, एक बार वर्टिकल। आइए अब इसको काट के देखते हैं कैसे बने। इतने यम्मी हैं ये, बहुत ही ज्यादा चीजी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी। ये देखिए, वाओ, इट्स सो यम। बड़े तो बड़े, बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे इसको। चीज कितना अच्छा लग रहा है निकलते हुए। चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं और रुका नहीं जा रहा है, फटाफट चाय डालिए कप में अगर बन गई है और खाते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।